चांद ने अपनी पैदाइश से ही हमारी जमीन पर बहुत गहरा असर छोड़ा है और जमीन के फलने फूलने में बहुत मदद की है। 4.5 बिलियन पहले जमीन से एक प्लैनेट की टक्कर से चांद ने जन्म लिया था। जमीन के गिर्द घूमने और समंदर में लहरों को पैदा करके जमीन पे जीवन को मुमकिन करने में चांद का बहुत बड़ा हाथ है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर चांद पर बहुत ज्यादा एटमी धमाके करके इसको तबाह कर दिया जाए तो इसका इंसानों पर और हमारी जमीन पर क्या असर पड़ सकता है। फ्रेंड्स, ताही टीवी में एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप सबको खुशामदीद। चांद पर एटमी धमाके की सूरत में और इसे तबाह बर्बाद करके हमारी जमीन पर सुकून से नहीं रहा जा सकता। इंसानियत को इसके बहुत ही बुरे असरात को भुगतना पड़ सकता है, जिसके लिए इंसानियत अभी तैयार नहीं। शायद आप नहीं जानते कि रशिया और अमेरिका ने चांद पर एटमी धमाके का प्लान बनाया था। इसकी वजह इन दोनों की आपस में टेंशन थी। 1958 में अमेरिकी आर्म्ड रिसर्च फाउंडेशन ने अमेरिकी एयरफोर्स की मदद से चांद पर धमाके का प्लान बनाया, जिसका मकसद खला में एटमी धमाकों के असर और चांद पर होने वाले असरात का जायजा लेना था। उनका ख्याल था कि चांद की दोनों सिमतों में धमाका किया जाए ताकि वो इससे होने वाले असरात का बखूबी जायजा ले सकें और इसे बखूबी देख भी सकें। इनके इस प्लान के बारे में हमें कभी पता न चलता अगर कार्ल सैगन, जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, वो इस धमाके की शिद्दत और इसके असरात के बारे में न बताते। रशिया भी खुद एक अलग प्रोग्राम बना रहा था जिसका नाम था ई प्रोजेक्ट, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ न हुआ और इस धमाके के बदले में उन्होंने अपने अपने लोगों को चांद पे भेज दिया और जिसमें वो कामयाब भी हो गए। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं जिससे हम चांद पे न्यूक्लियर हमला करके इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर सके। लेकिन अगर ऐसा सच में किया जा सकता तो क्या होता? चांद को खोने से जमीन पर कोई अच्छा असर तो नहीं पड़ेगा। चांद हमारे लिए जितना जरूरी है शायद ये कभी हम सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ हमें रात को रोशनी ही नहीं देता बल्कि जमीन की तरफ आने वाले एस्ट्रॉइड्स को भी रोकता है। और अगर हम चांद पे न्यूक्लियर हमला करके इसको तबाह कर दें तो स्पेस में मौजूद लाखों एस्ट्रॉइड सीधे जमीन से टकरा जाएंगे। चांद पे धमाका करने से इसके टुकड़े सीधे जमीन पे आ जाएंगे, क्योंकि चांद जमीन के बहुत करीब है और इसके ऑर्बिट में घूम रहा है, जिससे जमीन पर बहुत तबाही होगी, शायद इतनी कि हम अंदाजा भी ना लगा सके। एक रिसर्च से पता चला है कि चांद को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए हमें तकरीबन 9015 मेगाटन न्यूक्लियर बॉम्ब्स की जरूरत पड़ेगी, और जब सब धमाके एक साथ किए जाएंगे तब चांद के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और सीधे जमीन पे गिरेंगे, जिससे जमीन पर इंतहा की बर्बादी होगी। इन टुकड़ों को जमीन की तरफ आने में कुछ दिन लग जाएंगे और हमें नजर भी आएंगे। आप सोच सकते हैं कि तब कैसा नजारा होगा। जमीन के ऑर्बिट में इतने ज्यादा टुकड़े और धमाकों से गर्मी भर जाएगी, जिससे ऐसा लगेगा कि जमीन एक जलती हुई भट्टी है। चांद के ना होने से जमीन की रोटेशन पे बहुत गहरा असर पड़ेगा और जमीन डगमगाएगी। सूरज के गिर्द सही से चक्कर नहीं लगा सकेगी, जिससे दिन और रात में फर्क पड़ जाएगा और टाइम की समझ नहीं रहेगी और मौसम वो तो बिल्कुल ही खराब हो जाएंगे। कब सर्दी आएगी और कब गर्मी, ये इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकेगा। तो चांद की कदर किया करें, जिसकी वजह से जमीन अपनी मौजूदा जगह पर है। अगर चांद ना हो तो समंदर की लहरें बिल्कुल शांत पड़ जाएंगी, जिससे समंदर में मौजूद जिंदगी खत्म हो जाएगी। चांद के ना होने से दिन की लंबाई काफी हद तक कम हो जाएगी और तब दिन सिर्फ 6 से 8 घंटे का रह जाएगा और बिना चांद रात को आसमान अंधेरे में रह जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं बिना चांद के आसमान कैसा होगा? लेकिन हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक इस तरह के किसी प्रोग्राम की कोई तैयारी नहीं है। लेकिन अब जब भी आप रात को आसमान देखेंगे तो इसकी कदर जरूर करेंगे। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में लाजमन याद रखिएगा।
अल्लाह निगेबान।